हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। सभी को जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? जल्दी से आ जाइए, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी जल्दी यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। तो आज आपकी जो क्लास है, मैंने आपको बताया यहाँ पर वेस्टर्न आर्ट से, एक मिनट, ये क्या हुआ? तो आज आपकी जो क्लास है वो आपकी वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग केव्स को करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको करेंगे, गुफाओं को हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा घनवाद के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो घनवाद के और प्लस आपके वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड, यानी कि हम लोग गुफाओं को यहाँ पर करेंगे, जिसमें आपकी कौन कौन सी गुफा हो जाएंगी, आपकी अल्टामीरा गुफा और लास्कस गुफा, इन सभी गुफाओं के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे, वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में आपका यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक मिनट रुकिए जरा। ओके, यहाँ पर देखिए वॉइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले ये बताएं, फिर इसके बाद ऑडियो वीडियो, यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है। ऑडियो यहाँ पर देखिए, हाँ अब बताइए, ठीक है आई थिंक। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपके घनवास से भी क्वेश्चंस होंगे और इसके अलावा आपके अल्टामीरा और लास्कर, इन सभी गुफाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार मुझे वॉइस कॉन्फर्मेशन दीजिए और यहाँ पर ऑडियो वीडियो दोनों चीजों को कॉन्फर्मेशन दीजिए कि सब कुछ यहाँ पर ठीक है, तो तब हम लोग यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। आपको पता है नेटवर्क इश्यूज चल रहे थे यहाँ पर, आज भी आपकी क्लास इतनी डिले हुई, तो आपको पता है बारिश की वजह से यहाँ पर नेटवर्क जो आपका है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से कभी कभी नेटवर्क आ जाता है, कभी कभी चला जाता है, तो हो सकता है आपकी क्लास बीच में ही ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आराम से आप देखिएगा, समझ जाइएगा कि यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, हो सकता है क्लास आपकी पूरी हो पाए, हो सकता है बीच में ही ब्रेक हो जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखने से पहले यहाँ पर कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि आपको पता है एनटीए यूजीसी नेट और आपका एनटीए यूजीसी नेट, इसके अलावा यूजीसी नेट जो आपका आईपीएस, यहाँ पर आईएफएस की बात करें, आईएफएस की बात करें, ये आपकी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका यूजीसी नेट के रिगार्डिंग बहुत अच्छा काम करे। इसके अलावा वेरियस जो आपके एग्जाम्स है, जो टीचिंग एग्जाम्स है, उन सभी से यहाँ पर कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है, ठीक है। तो इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो इस ऐप को आप जरूर डाउनलोड करिए। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें दे रखी हैं, वहां पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो वहां पर आप कॉन्टेक्ट करके सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं, जिसमें मैं यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश की है, इसके अलावा कंप्यूटर है, इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे आपके फैकल्टी हैं, तो ये सारे फैकल्टीज आपकी जो बेहतर फैकल्टीज यहाँ पर लिए गए हैं, तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर रोल निभा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा, एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, जिससे कि यहाँ पर चीजें आप समझ पाएंगे कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर फीस है, क्या क्या चीजें, कितने महीने में कोर्स कम्प्लीट हो रहा है, और आपका यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है, ठीक है, जो पेपर वन आपका जो होता है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको प्रेपरेशन करनी है तो आप यहाँ पर ये वाला ऐप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, सारी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अलग से आपको जाने की जरूरत, अलग से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पर जाकर के, ठीक है, इसके अलावा आप प्ले स्टोर पर जाकर के भी आई एफ एस आप वहाँ पर डालेंगे तो वहां पर नाम आ जाएगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां से आपका मन करे वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, सारी चीजें यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर वन की तरफ हम लोग आ चुके हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। पहले एक बार मैं यहाँ पर कॉमेंट यहाँ पर सारी चीजें देख लूँ, मैम कहाँ से, हाँ मैं यूपी से हूँ फिलहाल, हाँ किसी ने पूछा कहाँ से है, तो मैंने बता दिया यूपी से, हाँ चलिए क्लास क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी बहुत आप लोग का देर हो चुकी है, क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अल्टामीरा की गुफाएं आपकी कहाँ है, अल्टामीरा, देखिए क्वेश्चंस के करते करते हम लोग सारी चीजें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ, सारी चीजें एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ ही साथ आपका यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपका
तैयार हो जाएगा, एक मिनट बताएं आप लोग। चलिए तो अल्टामीरा की गुफाएं आपकी कहाँ है, तो काबुल में हो जाएंगी, स्पेन में हो जाएंगी, कैरो में हो जाएंगी या रोम में हो जाएंगी। इनमें से आपका कौन सा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो आपके अल्टामीरा की जो गुफा है वो आपकी कहाँ पर है। तो अल्टामीरा की गुफा पहले बताइए आप कहाँ पर, फिर मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ कि आपको अल्टामीरा से जानने वाली क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर समझना है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर जानने वाली चीजें हैं। ठीक है, देखिए अल्टामीरा की गुफा की बात करें तो ये आपकी पड़ती कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्पेन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल की बात करें, ठीक है, तो यूरोपीय प्रागैत जैसे कि हमारे भारत में प्रागैतिहासिक काल जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, सॉरी पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और क्या पढ़ते हैं, नवपाषाण काल पढ़ते हैं। उसी तरीके से यूरोप में भी प्रागैतिहासिक काल है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक तो आप लोग उत्तरी स्पेन पढ़ते हैं और फिर क्या पढ़ते हैं, दक्षिणी फ्रांस, उत्तरी स्पेन में जो आपकी गुफाएं आपकी प्राप्त है, इसके अलावा दक्षिणी फ्रांस में जो आपकी गुफाएं प्राप्त है, तो इन गुफाओं को हम लोग पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आपके उत्तरी स्पेन की बात करें, देखिए उत्तरी स्पेन मुख्य रूप से उत्तरी स्पेन और क्या है, दक्षिणी फ्रांस, दो आपके क्षेत्र है किससे, प्रागैतिहासिक, यूरोप की प्रागैतिहासिक काल से लेकर के। ठीक है, तो यूरोप की प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं में आपकी उत्तरी स्पेन की गुफाएं सारी पढ़नी है और इसके अलावा दक्षिणी फ्रांस की गुफा पढ़नी है। ठीक है, तो चीजें समझते जाइए तब यहाँ पर चीजें आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, सुनिए यहाँ पर यूरोप की अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करें, यूरोप की प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें, ठीक है, सुनिए यहाँ पर यूरोप के अगर हम लोग प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को कौन कौन सी गुफा पढ़नी है, एक तो आपके यहाँ पर पढ़नी उत्तरी स्पेन की गुफा पढ़नी है। ठीक है, दूसरा आपको क्या पढ़ना है, दक्षिणी फ्रांस। ठीक है, तो ये आपको मुख्य रूप से क्षेत्र आपको याद रखने हैं, कहाँ के लिए याद रखने, यूरोप की प्रागैतिहासिक चित्रकला के रूप में आपको याद रखने, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पता है उत्तरी स्पेन में आपके कौन कौन सी गुफाएं आती है, ये भी याद रखेंगे, उत्तरी स्पेन में आपकी कौन कौन सी गुफा आती है। सबसे पहले तो आप किसको याद रखेंगे, अल्टामीरा को याद रखें, किसको याद रखेंगे, अल्टामीरा। ठीक है, अल्टामीरा सबसे पहले आप किसको याद रखेंगे, अल्टामीरा की गुफा आपकी किसमें आती है, उत्तरी स्पेन में आती। इसके अलावा कौन सी, कोगुल है, पिंडाल है। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, कोगुल हो जाएगी, कोगुल हो जाएगी। इसके अलावा आपकी कौन सी गुफा हो जाएगी, पिंडाल हो जाएगी। लिखते जाइएगा, जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ इन्हीं से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर आपके यूरोप की प्रागैतिहासिक काल में गुफाओं से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो जितने मैं पॉइंट्स बता रही हूँ इन्हीं में से आपको पॉइंट सारे मिल जाएंगे, इन्हीं में से सारी चीजें, इससे हटके आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा किसमें, टीजीटी और पीजीटी में। ठीक है, तो पिंडाल गुफा हो गई, इसके अलावा बसांडो की गुफा एक आपकी आती है, बसांडो की गुफा। ठीक है, बसांडो की गुफा किसमें पड़ती, वो भी आपकी किसमें पड़ेगी, वो भी आपके उत्तरी स्पेन क्षेत्र में आती है। फिर इसके अलावा आती है आपकी बॉक्स गुफा। ठीक है, इसके अलावा आपकी आती है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बॉक्स गुफा। ठीक है, बॉक्स, ठीक है, अब इसका थोड़ा सा नाम वैरी कर सकता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये इंग्लिश में गुफाएं हैं और हिंदी में ये अलग अलग करके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बॉक्स गुफा हो जाएगी। इसके अलावा साल्तो मोरा गुफा, कौन सी हो जाएगी, साल्तो मोरा। ठीक है, साल्तो मोरा, ठीक है, साल्तो मोरा गुफा। तो ये आपकी जो गुफाएं हैं ये आपकी किसकी हो जाएंगी, उत्तरी स्पेन की गुफाएं हो जाएंगी। मैं फिर से बोल रही, जितने मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस वजह से बहुत ढंग से बहुत कायदे से यहाँ पर क्लास को देखेंगे। वालेकुम असलाम आजाद सिंह, वालेकुम असलाम, क्या है, आज लाइव आ पाया हूँ आपकी क्लास, 3 महीने से मैं आपकी क्लास देख रहा हूँ, आज लाइव आ पाया हूँ, आपकी क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ की दरख्वास्त, थैंक यू सो मच, जजाक अल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे ही क्लास को लेते रहें, ठीक है, और एक अच्छी बेहतर तैयारी आप यहाँ पर कर सकेंगे मेरी क्लासेस से, और अगर आप सील वाइज चीजें लेते हैं तो आपको चीजें जरूर समझ में आने वाली हैं और आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको पता लास्ट टाइम जैसे कि मैंने क्लासेस दी थी और काफी स्टूडेंट ने मुझे कॉमेंट किया कि मैम आपकी क्लास से काफी चीजें यहाँ पर आपकी आई हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप बिल्कुल यहाँ पर 100% श्योर यहाँ पर तरीके से क्लास करें, बिल्कुल यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्फिडेंटली यहाँ पर क्लास करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे सोच के क्लास करेंगे तब नई चीजें बनेंगी। ठीक है, चलिए दक्षिणी फ्रांस की बात करें तो इसमें क्या, एक तो आपकी आ जाएगी लास्को गुफा। ठीक है, लास्को गुफा, अच्छा मैं स्पीड में तो थोड़ी नहीं बोल रही हूँ, बता दीजिएगा, मैं बदल जल्दी बोलने लगती हूँ, फॉन्ट दी गाम। ठीक है, और इसके अलावा आ जाएगी फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट दी, ठीक है, फॉन्ट दी गाम, ये भी आपकी किसमें आ जाएगी, आपकी दक्षिणी फ्रांस में आ जाएगी। इसके अलावा ले त्रै फेयर्स, ले त्राय, ठीक है, ले त्राय फेयर्स, ठीक है, फेयर्स, ये आपकी गुफा किसमें आ जाएगी, ये आपकी दक्षिणी फ्रांस में आ जाएगी। ला कंबरली, ला कंबरली, ला कंबरली, ठीक है, ला कंबरली, क्लास में मेरी देर लगती ही है, आपको पता है क्यों, क्योंकि आपको पता है सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करती हूँ। नियाऊ गुफा, नियाऊ गुफा, ये आप सबसे पहले तो नोट डाउन सारी चीजें कर लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए,
जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर समझ में आया, अल्टामीरा की गुफा उत्तरी स्पेन, कोगुल गुफा उत्तरी स्पेन, बॉक्स गुफा उत्तरी स्पेन, पिंडाल गुफा उत्तरी स्पेन, बसांडो गुफा उत्तरी स्पेन, और क्या हो जाएगी, साल तो मोरा, ठीक है, साल तो मोरा गुफा, ये भी आपकी उत्तरी स्पेन हो गई। दक्षिणी फ्रांस में गुफा आपकी कौन सी हो जाएगी, एक तो लास्को गुफा हो जाएगी, लास्कस गुफा, लास्को गुफा, लास्का गुफा, ठीक है। फोंटेगाम गुफा हो जाएगी, ले ट्रेफेयर्स की गुफा हो जाएगी, ला कंबरली की गुफा हो जाएगी, और इसके अलावा नियाओ गुफा हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसको भी मैं अब डिटेल में बहुत पहले क्लास ले चुकी हूँ, अगर आपने डिटेल में ना देखी तो आप डिटेल में भी यहाँ पर देख सकते हैं। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, तो अब हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन में, यानी कि इसका क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर था, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर था। ओके चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोंट दी गाम क्या है। अब मैंने अभी देखिए आपको बताया था ना, आप अपने पीछे लिख, मेरे पीछे लिखा हुआ, अच्छा अच्छा रुकिए रुकिए, अच्छा हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, मेरे पीछे लिखा हुआ, तो एक मिनट रुकिए। अब देखिए अब यहाँ पर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ हम लोग हैं। फोंट द गाम क्या है, फोंट द गाम आपका क्या है, दृश्य चित्र है, ठीक है, दृश्य चित्र है, ठीक है, गुफाएं हैं, मूर्ति है, ये आपका रेखांकन है, बताएंगे जो फोंट द गाम जो है गुफा, ये आपकी क्या हो जाएंगी, तो अभी मैंने आपको बताया ही है, तो ये आपकी गुफा हो जाएगी, क्या ये आपकी हो जाएगी, गुफा हो जाएगी, ठीक है, कहाँ की, यूरोप की, जो आपकी प्रागैतिहासिक कालीन गुफा के अंतर्गत ये आपकी आती है, ठीक है, यूरोप की प्रागैतिहासिक काल की गुफा के अंतर्गत आती है। फोंट द गाम गुफा मैंने अभी आपको बताई, ये आपकी उत्तरी स्पेन में पड़ेगी या आपकी दक्षिणी फ्रांस में पड़ेगी, बताएंगे फोंट द गाम जो गुफा है वो आपकी उत्तरी स्पेन में पड़ेगी या आपकी दक्षिणी फ्रांस में पड़ेगी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, हाँ जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, यस हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन आपको आंसर क्या करना है, फोंट द गाम जो गुफा है बिल्कुल यहाँ पर दक्षिणी फ्रांस आपकी गुफा हो जाएगी, कहाँ पर हो जाएगी, आपकी ये दक्षिणी फ्रांस में गुफा हो जाएगी, दक्षिणी फ्रांस क्षेत्र में आपकी ये आपकी गुफा आएगी, ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल की यानी कि यूरोप की प्रागैतिहासिक काल की गुफा में ये आपकी शामिल है, याद रखेंगे। इसकी खोज की बात करें, सुनिए यहाँ पर, अगर इसकी हम लोग खोज की बात करें, सुनते जाइएगा यहाँ पर, इसकी अगर हम लोग खोज की बात करें तो 1901 में इसकी खोज हुई है, और इसमें लगभग कितने चित्र मिले हैं, तो 200 चित्र, ठीक है, लगभग यहाँ से आपको कितने चित्र प्राप्त है, तो 200 चित्र आपके यहाँ पर प्राप्त है, समझ में बात आई, तो दक्षिणी फ्रांस में है, ठीक है, खोज की यहाँ बात करें तो 1901 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है, और यहाँ पर लगभग आपके कितने जो है चित्र मिले हैं, तो आपके 200 चित्र आपके यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हुई, इज देयर एनी कंफ्यूजन, इज देयर एनी कंफ्यूजन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, स्पेन के अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर जैसे कि भारत में जो आपको गुफाएं मिली हैं, ठीक है, जैसे कि आपके प्रागैतिहासिक काल की जो गुफाएं हैं, जो आपकी जो मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल में आपके कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे कि आपकी भीमबेटका है, पंचमढ़ी है, लिखुनिया है, ठीक है, कोरा पहाड़ है, और बताएं आप लोग, और मिर्जापुर है, तो ये सारे जो क्षेत्र हैं आपके इसमें भारत में प्रागैतिहासिक काल में आपके आते हैं, ठीक है, तो यही आपको बताना है, स्पेन की जो आपकी अल्टामीरा गुफा है वो आपकी किस गुफा से यहाँ पर समकक्ष है, ठीक है, कहाँ से, एक मिनट, स्पेन की अल्टामीरा की समकक्ष, अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र है, बताएंगे आप लोग कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका आंसर, यहाँ पर कौन सही आंसर देता है, बिल्कुल यहाँ पर पंचमढ़ी की गुफा आपकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आंसर दिया है किसने, शिवांश द्विवेदी ने आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है, हाँ बिल्कुल, आज नवरात्रि का शायद पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है, और पूरे आप लोग को यहाँ पर नवरात्र रख पाए, इतनी आपको कैपेसिटी आपको ईश्वर दे, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। ओके, स्पेन के अल्टामीरा की गुफा यहाँ पर किसके हो जाएगी, तो पंचमढ़ी की गुफा यहाँ पर हो जाएगी, जो आपकी कहाँ पड़ेगी, तो ये आपकी महादेव पर्वत श्रृंखला में पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, तो ये आपकी महादेव पर्वत श्रृंखला में, महादेव, ठीक है, महादेव पर्वत श्रृंखला, ठीक है, पर्वत श्रृंखला में, एक मिनट, पर्वत श्रृंखला, श्रृंखला में ही क्या है आपकी अवस्थित है, कौन सी, पंचमढ़ी की गुफा यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, ये सारी जो गुफा आपकी जो पंचमढ़ी की गुफा है वो किसमें आती है,
भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में आपके यहाँ पर शामिल है, जो क्या है, स्पेन की अल्टामीरा गुफा के आपके समकक्ष यहाँ पर मानी जाती है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें, फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? तो फ्रांस की जो लास्को गुफा की जो खोज हुई थी वो हुई थी ऑप्शन सी यानी कि 1941 को। कब हुई थी? तो 1940 को। 1940 करे ठीक है, 1940 को, 1940 को इसकी क्या है, खोज हुई थी। क्लियर है? अच्छा यहाँ पर ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। ओके बताएं आप लोग। हाँ 1940 में इसकी क्या है, खोज हुई थी। किसके किसने की थी? तो याद रखें किसने की थी, आप याद बताएंगे किसने की थी, ब्रूइल ने की थी। ठीक है ब्रूइल ने इसकी क्या है, खोज की थी। किसकी किसकी बात हो रही है, आपकी लास्का गुफा की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, लास्का गुफा की यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा नहीं बॉक्स बन रहा है, ठीक है किसकी बात हो रही है, तो लास्का गुफा की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है ओके, ब्रुइल ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पर आपको एक क्या विधि यहाँ पर मिल जाती है, जिसमें क्या वृषभों वाला कक्ष, यहाँ पर आपको वृषभ वाला, यहाँ पर मैं लिखती हूँ वृषभ, ठीक है वृषभ वाला कक्ष, वृषभ वाला कक्ष, इससे इसके रिलेटेड आपको अभी क्वेश्चन भी आएगा। तो यहाँ पर एक क्या है, वृषभ वाला कक्ष भी आपका मिल जाता है, किसमें, लास्को गुफा में मिल जाता है। ठीक है इतनी चीज आपको हो गई। लास्को गुफा में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि लास्को गुफा में, सॉरी जो आपका दक्षिणी फ्रांस में है, आपको जो बहुत सारी यहाँ पर गुफाएं मिल जाती है, जिसमें से आपकी फ्रांस की जो है, जो आपकी लास्का गुफा है वो भी उनमें से आपकी एक यहाँ पर शामिल है। मैम वाई अच्छा ये हैंड ग्लव्स क्यों पहनती, ये जो है स्क्रीन टच के लिए होता है, ये पाम रिजेक्शन के लिए पहना जाता है। ठीक है स्क्रीन टच के लिए, क्योंकि जब हाथ रखा जाता है तो उसपे जो है हाथ का टच ना हो, समझ में बात आ गई, इस वजह से ये हैंड ग्लव्स है। ठीक है ये और इसका कोई काम नहीं है। ओके तो समझ में बात आई। इसके अलावा यहाँ पर आपको तैरते हिरन, अगर आपसे पूछा जाए तैरते हिरन आपको कहाँ से मिल जाता है, तैरते हिरन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चित्र मैं आपको बता रही हूँ, तैरते हिरन, तैरते हिरन ठीक है, तैरते हिरन आपको कहाँ से मिलता है, तो ये भी आपको कहाँ से मिलता है, फ्रांस से मिलता है। और ये आपका सबसे फेमस चित्र है, याद रखेंगे सबसे फेमस चित्र है कहाँ का, फ्रांस की गुफा का, ये आपका सबसे फेमस चित्र है कहाँ का, आपकी फ्रांस की गुफा का, यहाँ पर तैरते हुए हिरन मिल जाता है। अच्छा तैरते हुए हिरन जो आपका चित्र मिला है इसकी माप क्या है, कोई मुझे बताएगा, तैरते हुए हिरन का जो चित्र मिला है उसकी माप क्या है, तो आप याद रखेंगे 16 फीट, ठीक है 16 फीट 6 इंच, ठीक है 16 फीट 6 इंच आपकी इसकी माप हो जाएगी, इसकी तैरते हुए हिरन की। ठीक है तो 16 फीट और 6 इंच क्या है इसकी माप हो जाएगी, समझ में बात आ गई। बिल्कुल यहाँ पर स्वाति अग्रवाल ने आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है, स्वाति अग्रवाल का आंसर यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक सींग वाला अश्व यानी कि घोड़ा, एक सींग वाला घोड़ा भी यहाँ पर मिला है। ठीक है एक सींग वाला घोड़ा, ठीक है एक सींग वाला अश्व यानी कि घोड़ा, ये भी आपको कहाँ से मिला है, ये भी आपको लास्का गुफा से मिला है। इसके अलावा यहाँ पर एक काले लाल रंग की विशाल गाय मिली है, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे अगर पूछा जाए रंग बिरंगी आपकी गाय कहाँ से मिली है या काले लाल रंग की गाय कहाँ से मिली है, तो आप क्या बताएंगे, फ्रांस से मिली है। फ्रांस में कहाँ से मिली है, तो लास्का गुफा से आपकी प्राप्त है। ओके क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई देता है, यानी कि अल्टामीरा की गुफा में आपको बहुत से जानवर के चित्र मिल जाते हैं, बहुत से पशुओं के चित्र मिल जाते हैं, लेकिन आपको बताना है इसमें सबसे ज्यादा आपका जो है चित्र कौन से यहाँ पर जानवर का मिल जाता है। ऑप्शन यहाँ पर कौन बी बता रहा है, बी कैसे हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। अच्छा हाथी होगा, बताइए हाथी कहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पर शिवांश, क्या नाम है, शिवांश द्विवेदी, बिल्कुल आपका आंसर सही है, बाइसन। ठीक है याद रखेंगे बाइसन यानी कि जंगली भैंसे का जो चित्र यहाँ से आपको मिल जाता है, तो बाइसन वर्ड याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपका यहाँ पर इंग्लिश में ये वाला पूछा जाता है अक्सर, तो बाइसन अगर आपका आ जाए तो आप समझ जाइएगा ये आपको कहाँ से मिला है, ये आपका अल्टामीरा की गुफा से मिला है, अल्टामीरा की गुफा से मिला है।
ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टाइन चैपल बोलते हैं। अच्छा, जो आपकी ये अल्टामीरा की गुफा है, जो आपकी फ्रांस गुफा है, ये आपकी किस वजह से फेमस है? तो ये आपकी भित्ति चित्रकारी की वजह से फेमस है। किसके लिए? म्यूरल पेंटिंग की वजह से आपकी फेमस है। म्यूरल पेंटिंग ऐसी पेंटिंग होती है, यानी कि जो चित्रण आपका दीवार पे और छतों पे मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं, यानी कि भित्ति चित्रकारी बोलते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये किस वजह से फेमस है, तो आपकी भित्ति चित्रण के लिए आपका यहाँ पर फेमस है। बहुत अच्छा पढ़ाते हो मुझे, और कैसे मुझे समझ नहीं आता। थैंक यू सो मच अलका शर्मा, थैंक यू सो मच। मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा तो बहुत बढ़िया, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ओके, तो बाइसन यहाँ पर आपको समझ में बात आ गई। सिस्टाइन चैपल आपका कहाँ से हो जाए? सिस्टाइन चैपल अल्टामीरा गुफा में जंगली भैंसे का आपको सबसे ज्यादा चित्र यहाँ पर दिखाई दे देता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ अल्टामीरा गुफा के बारे में, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अल्टामीरा जो गुफा है, इसकी लंबाई कितनी है? देखिए, अल्टामीरा की गुफा की लंबाई, अगर बात करें अल्टामीरा गुफा की लंबाई, तो लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 300 मीटर, लगभग आपके 300 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है। अब इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई की बात करें, अब इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं है, याद रखेंगे, इसकी जो ऊंचाई है आपकी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, 6 से 7 फीट, 6 से 7 फीट इसकी क्या है, ऊंचाई आपको मिलती है किसकी, अल्टामीरा गुफा के चित्रों की ऊंचाई मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए इसके चित्रों को क्या है लेट करके देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो दीवार पर जो आपके चित्र मिले हैं वो क्या है, आपके जो है मतलब मिट चुके हैं, और आपके जो अच्छे पोजीशन में जो चित्र हैं वो आपको जो छत पे जो चित्र हैं, जो सीलिंग पे जो चित्र हैं, सीलिंग पे जो चित्र हैं वही आपको अच्छी पोजीशन पे मिलते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि यानी कि कहाँ पर जो है कहाँ के चित्रों को लेट करके देखना पड़ता है, तो आपको याद रखना है अल्टामीरा की गुफा के चित्रों को क्या करके, लेट करके देखना पड़ता है। आज पहली क्लास है मैम, लेकिन बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। बिल्कुल पहली क्लास है, अभी तक इतनी क्लासेस आपको मैं दे चुकी हूँ। चलिए कोई बात नहीं, पहली क्लास ये है, लेकिन अब आपकी आखिरी क्लास ये नहीं होनी चाहिए, लाइव क्लास आपको अटेंड करना है, ठीक है। तो 6 से 7 फीट इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैंने आपको ऊंचाई ऊंचाई बताई, जिसकी वजह से क्या है, इसको लेट करके देखना पड़ता है, याद रखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर याद रखें क्या, कि यहाँ पर कितने चित्र मिले हैं, कितने चित्र अब आपके प्रेजेंट हैं, यानी कितने चित्र आपको मिले हैं, तो यहाँ पर 200 चित्र, ठीक है, 200 चित्र आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर इसके टाइम की बात करें, अगर इन चित्रों के टाइम की बात करें, तो 1200 ईसा पूर्व, ठीक है, सॉरी सॉरी 12000, ठीक है, 12000 ईसा पूर्व, 12000 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। तो बाद देखिए दिख रहा है कि मेरे पीछे तो नहीं हो गया, नहीं सही है, ठीक है। तो 12000 ईसा पूर्व यानी कि BC यहाँ पर रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा। पहले बताइए इतनी चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, पहले बताइए बताइए, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर बताइए, फिर यहाँ पर हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर थोड़े से अब यहाँ पर चित्र देख लीजिए कि अल्टामीरा, क्योंकि मैंने आपको बताया इसी इसी क्लास से मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगी, जिससे कि आपको डिटेल में क्वेश्चन देखने ही नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अल्टामीरा के चित्रों की बात करते हैं, अल्टामीरा 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 के चित्र, अल्टामीरा के चित्र कहाँ है आपको पता है, ये आपका कहाँ पड़ता है अल्टामीरा, अभी मैंने आपको बताया था अल्टामीरा की गुफा की कहाँ पड़ेगी। सबसे पहले तो आप लिखेंगे बाइसन, सबसे पहले लिखेंगे बाइसन, लिखेंगे जिसको क्या बोलते हैं, जंगली भैंसा, ठीक है, जंगली भैंसा इंग्लिश में नाम आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। स्पेन या आपकी क्या कहते हैं, जो आपकी यूरोप की प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्रकला, उसमें इंग्लिश में आपको नाम याद रखने, तो जंगली भैंसा यहाँ पर हो जाएगा, जो जिसका सबसे ज्यादा सर्वाधिक अंक लिख लीजिए, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक अंकन क्या है, इसी का आपको अल्टामीरा में मिलता है। इतनी चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात करें किसकी बात कर, जंगली अश्व, ठीक है, जंगली, ठीक है, जंगली अश्व, अश्व का मतलब घोड़ा, ठीक है, जंगली अश्व यहाँ पर मिल जाता है, लंबे सींग वाला बकरा, लंबे लंबे, ठीक है, लंबे सींग वाला बकरा, ठीक है, कहाँ से मिलता है, तो आपको अल्टामीरा से मिलता है, ठीक है। नंबर 4 पे लिखेंगे आप लोग बारह सिंगा, ठीक है, बारह सिंगा, ठीक है, बारह सिंगा भी आपको कहाँ से मिलता है, तो यहाँ से ही आपको मिल जाता है, कहाँ से, अल्टामीरा गुफा से मिल जाता है, जिसको यहाँ पर एक और यहाँ पर याद रखेंगे, एक मिनट एक और मैं लिख देती हूँ, पांचवा पांचवा आपका कौन सा हो जाएगा, लाल हिरन, ठीक है, लाल हिरन, लाल हिरन, लाल हिरन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यहाँ पर मतलब क्या नाम दिया होता है, हिंद यहाँ पर नाम दिया होता है, और बारह सिंघा को क्या बोलेंगे, रेंडियर, ठीक है, बारह सिंघा को क्या बोलेंगे, रेंडियर,
ठीक है, ये हो गया आपका, इतना हो गया। एक और चित्र यहाँ पर याद रखेंगे, सुअर का चित्र। ठीक है, यहाँ पर मैं कहाँ पर लिखूँ, छठा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, छठा, तो ये भी आपका चित्र यहीं से आपका प्राप्त है। ठीक है, यही आपका चित्र यहीं से आपका प्राप्त है। और इसके अलावा यहाँ पर मानव हाथ के चित्र भी मिल जाते हैं, यानी कि मानव ने क्या किया है, इंसान ने क्या किया, अपने हाथों से यानी कि छापा लगाया हुआ है। ठीक है, तो मानव हाथ के चित्र, ठीक है, मानव हाथ यानी कि जो उंगलियों से टेढ़ी मेढ़ी आपकी लाइन कर खींची गई है, तो मानव हाथ यहाँ पर मैं सीधे लिख रही हूँ, मानव हाथ। ठीक है, मानव हाथ, हाथ के चित्र, ये इतने चित्र आपको याद रखने हैं। मानव हाथ के चित्र भी आपको कहाँ से मिलते हैं, हाथों के छापों का, जो बिल्कुल शीला मिश्रा, समझ में बात आई। तो ऐसे आपको चीजें याद रखनी है, तो ये जितने मैंने आपको चित्र बताए हैं, तो पहले इनको समझ लीजिए। एक तो आपका जंगली भैंसा हो गया, जंगली अश्व हो गया, लंबे सींग वाला बकरा हो गया, बारह सिंगा हो गया, लाल हिरन हो गया, ठीक है, सुअर हो गया, मानव हाथ के यहाँ पर आपके छापा वाले चित्र आपको मिल जाते हैं। तो ये सारे चित्र आपको कहाँ से मिलते हैं, अल्टामीरा की गुफाओं से आपको मिलते हैं। इज इट क्लियर? चलिए बताएं आप लोग। हाँ सर्वाधिक अंकन आप यहाँ पर बाइसन याद रखेंगे भाई, सबसे ज्यादा जो अंकन आपका अल्टामीरा में रहेगा किसका, बाइसन का रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं, यूरोपीय जो आपकी प्रागैतिहासिक काल है इसके जो है केंद्र आपके कहाँ पर है, तो उत्तरी फ्रांस और दक्षिणी, ओ सॉरी उत्तरी स्पेन, ये वाला उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस, आपका ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी आप याद रखिए, उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस, ये याद रखिएगा, वहां पर स्पेन और फ्रांस तो जरूर दिया होगा, लेकिन इसको यहाँ पर उल्टा एग्जाम में कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस, ठीक है, उत्तरी स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, उत्तरी स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इसको रट लीजिए, इसको उल्टा मत कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। जितने क्वेश्चन में बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ये वाले क्वेश्चंस मिले हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चंस मैंने आपको लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया अल्टामीरा की, आपको क्या कहते हैं अल्टामीरा की यहाँ पर गुफाएं कितनी बता दी, दक्षिणी फ्रांस में जितनी गुफाएं वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी कुछ चीजें और बताऊंगी। वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में मिलता है, अभी मैंने आपको बताया था वृषभों वाला जो कक्ष है वो आपकी किस गुफा से मिलता है, अल्टामीरा की गुफा से मिलता है कि लास्को गुफा में मिलता है, वृषभों वाला जो कक्ष है वो आपका अल्टामीरा की गुफा से मिलता है या आपको लास्को गुफा से मिलता है, दोनों में से आपको कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 7 का आंसर सी बताया है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर ज्योति सिंह आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाता है, पीयूष बिल्कुल यहाँ पर 100%, शिवांश बिल्कुल आपका भी आंसर यहाँ पर आ दिया, आराध्या बिल्कुल आपका आंसर गलत हो जाता है भाई, आराध्या का आंसर गलत है, ऑप्शन डी नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया था वृषभों वाला जो कक्ष है, ठीक है, जो आपकी वीथी मिली है, ठीक है, वो कहाँ से मिली है, वो आपकी लास्का गुफा से मिली है, जो आपका दक्षिणी फ्रांस में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, दक्षिणी फ्रांस में मिलता है। लास्का गुफा की खोज मैंने आपको बताया 1940 को इसकी क्या खोज हुई थी, किसने की थी, तो ब्रुइल ने इसकी खोज की थी, याद रखेंगे आप लोग। यहीं पर आपको वृषभों वाला कक्ष मिल जाता है और यहाँ से ही आपको तैरते हिरन मिलता है, और तैरते हिरन का जो चित्र है वो आपका एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इस वजह से आप तैरते हुए हिरन का जो चित्र है वो आप खास करके आप यहाँ पर याद रखेंगे, किसके लिए, लास्का गुफा में, आप लोग इतनी लास्का गुफा में ये वाला चित्र आप यहाँ पर जरूर याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं, बताएं आप लोग, स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं आपको यहाँ से मिल जाती हैं, लास्को गुफा, त्रयाफेयर्स गुफा, अल्टामीरा गुफा या ला कंबरली गुफा। अच्छा ये भी मुझे बताएंगे कौन कौन सी गुफाएं आपकी कहाँ कहाँ पड़ती है, हालांकि मैंने अभी ऊपर आपको बता रखा है, बताएंगे ये भी बताएंगे। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर मैं लिखती चल रही जब तक आप उसका आंसर करेंगे। लास्को गुफा तो आपकी हो गई, किस कहाँ की हो गई, ये आपकी हो गई दक्षिणी फ्रांस की गुफा, ये आपकी दक्षिणी फ्रांस की गुफा हो गई। ठीक है, ला त्रयाफेयर्स की गुफा जो है, ला त्रयाफेयर्स की गुफा, ये भी आपकी हो जाएगी दक्षिणी फ्रांस की हो जाएगी, दक्षिणी फ्रांस की गुफा हो जाएगी। ठीक है, अल्टामीरा की गुफा तो आपको पता है उत्तरी स्पेन की हो गई, ठीक है, ये स्पेन की हो गई। ला कंबरली गुफा किसकी हो जाएगी, तो ये भी आपकी दक्षिणी फ्रांस, ठीक है, दक्षिणी फ्रांस, तो ये तीनों जो ऑप्शन दिए हैं वो दक्षिणी फ्रांस, एक आपका उत्तरी स्पेन दिया। स्पेन की किस गुफा में उंगलियों की छाप, उंगलियों की छाप आपको मैंने बताया भी, तो उंगलियों की छाप आपको कौन सा हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर अभी आपको बताया, बिल्कुल अल्टामीरा की गुफा हो जाएगी, ये बिल्कुल यहाँ पर अल्टामीरा की गुफा ऑप्शन
सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या किया गया है, उंगलियों से टेढ़ी मेढ़ी फीते के समान आकृतियां बनाई गई हैं यहाँ पर, कहाँ पर, अल्टामीरा गुफा में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टामीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनाया गया है। अल्टामीरा की जो गुफा चित्र है वो उसका माध्यम क्या रहा है, प्राकृतिक रंग रहे हैं, जानवरों के चर्बी के मिश्रण से रहा है, कोयले का यूज हुआ, या इन सभी का प्रयोग हुआ है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे, बताएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ चुके हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पे, यस बताएंगे विच वन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे, विच वन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यस यहाँ पर बिल्कुल आंसर सुषमा सिंह, सुषमा सिंह का आंसर यहाँ पर आया है। रंजना बिल्कुल आपका भी आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, तो प्राकृतिक रंगों का यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है, और उसमें जो मिश्रण के लिए यानी कि मीडियम के लिए क्या है, जानवरों की चर्बी यहाँ पर मिलाई गई है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको किसमें, भारत की प्रागैतिहासिक काल बताई, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या है, खनिज रंगों का यूज किया गया है, और वहां पर भी मिश्रण करने के लिए क्या चीज यूज की गई है, जानवरों की चर्बी को यहाँ पर मिलाया गया है, और यहाँ पर पुट्ठा का यूज किया गया है। कहाँ पर, भारत में पुट्ठा का यूज किया गया है। ठीक है, पुट्ठा मतलब जो आपकी तखने, जो घुटने की जो हड्डी होती है, घुटने का जो आपका होता है, तो वहां पर यानी कि कटोरी नुमा जो होता है वहां पर क्या है, आपके जो है रंग घोलने के लिए यूज किया गया है, और मतलब एक तरह पैलेट का यूज समझ लीजिए, और उसने मीडियम के लिए क्या यूज किया गया, चर्बी का यूज किया गया है। तो यहाँ पर फिलहाल आंसर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, समझ में बात आई। तो यहाँ पर इन सभी यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। बताइए इस कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जैसे कि आपका है भूरा है, पीला है, लाल है, काला है, तो कई रंगों यानी कि बहुरंगी चित्रों का यूज यहाँ पर हुआ है, खूब बढ़िया चटक रंगों का यूज यहाँ पर हुआ है, किसमें, अल्टामीरा की गुफा की अगर हम बात करते हैं तो। क्लियर है पीयूष जी, बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर पीयूषिका, पीयूषिका का भी आंसर यहाँ पर परफेक्ट है। सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की, अच्छा ये याद रखेंगे, खोज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा के चित्रों की, गुफा में जो चित्र आपके हैं उसकी खोज का श्रेय किसे जाता है, और अल्टामीरा की जो गुफा है ठीक है इसकी खोज हुई कब थी ये भी बताना है, और यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को जो है ठीक है इसमें कब शामिल हुआ कौन अल्टामीरा की गुफा, ये भी आपको बताना है। चलिए मैं आपके आंसर देखती हूँ। अच्छा अलका शर्मा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए 1879 बताया किसी ने, संदेश कुमार, बिल्कुल यहाँ पर संदेश कुमार नाम था, चलिए कुछ भी नाम हो। हाँ रिया जायसवाल, आपका भी आंसर सही सही है, सही है सही है। ठीक है, अल्टामीरा गुफा यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पूछा गया गुफा चित्रों की खोज किसने की, तो खोज किसने की, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर मारिया सातु ओला। ठीक है, कौन, मारिया सातु ओला। अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगी यहाँ पर आपको, सुनिए पहले खोज के यहाँ पर बात कर, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं खोज की बात करते हैं। ठीक है, खोज इसकी किसने की, मारिया सेतु ओला ने इसकी खोज की थी। ठीक है, मारिया सेतु ओला जो थी वो आपकी 12 वर्षीय पुत्री थी, हालांकि किसी किसी बुक में आपको 8 वर्ष भी लिखा मिल जाता है, 8-9 वर्ष भी लिखा मिल जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे ये 12 वर्ष की पुत्री थी। अब सुनिए 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्षीय आपकी यहाँ पर पुत्री थी, किसकी पुत्री थी, मार्सेलिनो सेंजी सेतुओला की। ठीक है, मार्सेलिनो सेंजू सेतुओला जो थे ठीक है उन्होंने क्या है ये अपनी पुत्री को अपने साथ यहाँ पर लेके गए थे। ठीक है, तो इसकी नजर यानी कि इनकी बेटी की नजर सबसे पहले यहाँ पर पड़ी थी किसके, प्रागैतिहासिक, वो सॉरी अल्टामीरा चित्रों के ऊपर जो है सबसे पहले जो नजर पड़ी थी वो उनकी बेटी की पड़ी थी। क्यों, क्योंकि आपको पता बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, और उनकी आंखें इधर उधर चकराया करती, चकर मकर किया करते हैं ना, तो इस तरीके से सबसे पहले जो नजर पड़ी थी मारिया सैतुओला की पड़ी थी। लेकिन सुन लीजिए, अगर ऑप्शन में अगर आपका मारिया सैतुओला नहीं है, ठीक है मारिया सैतुओला नहीं है, मार्सिलो है आपका, मार्सिलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, मार्सिलो, ठीक है मार, अरे यार ठीक है, मार्सेलिनो सेंज डी, नाम देखो सैतुओला, यहाँ पर सैतुओला लिखा है। ठीक है, ये आपके, ठीक है तो ये आपके हो जाएंगे, इनकी बेटी ये थी, ये क्या थी, इनकी डॉटर थी। ठीक है, ये इनकी क्या थी, डॉटर थी, कितने साल की थी, तो ये 12 वर्ष की थी, और अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा मिलता है। खोज कब की थी, तो खोज हुई थी, खोज कब हुई थी, हाँ बिल्कुल 1879, बिल्कुल यहाँ पर सुषमा सिंह, बिल्कुल 1879
1879, बिल्कुल आपने सही आंसर किया है। तो ये 1879 को इनकी क्या है खोज की थी, किसकी, ये आपकी अल्टामिरा गुफा के चित्रों की खोज की अगर हम बात करें तो, ठीक है। इसके अलावा ये आपका यूनेस्को ने इसको कब शामिल किया, यूनेस्को द्वारा इसको कब शामिल किया गया, यहाँ पर ये भी मैं लिखती हूँ, यूनेस्को द्वारा, यहाँ पर पेंशन, यूनेस्को, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया है, तो 1985 में, 1985 में इसको शामिल किया, ठीक है, शामिल किया, शामिल किया, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को जो है, ठीक है, इन्होंने 1985 में शामिल किया। सर्वेश कुमार बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है, बच्चे ने खोज किया तो पापा को क्यों लगाएंगे। हाँ अगर ऑप्शन में नहीं है, देखिए ले तो वही गए थे ना, अगर आपका ऑप्शन में नहीं है तब आप यहाँ पर पापा को ही लगाएंगे, ठीक है। और अगर वैसे तो आपका मारिया ही लगाना है। हाँ ये मैंने 12 वर्ष बता दिया आपको, याद रखेंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया हो तो मैंने आपको बता दिया, आप लोग कमेंट करके ये नहीं कहेंगे कि मैम 8 साल की थी या 6 साल की थी या इतने साल की थी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, अलग अलग बुक में अलग तरीके से आपका मिल ही जाता है, तो इसका कुछ भी किया नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट, की गुफा में दीर्घायु दीर्घकाय पशु आकृति है, यानी कि विशाल आपकी क्या चीज मिली, अभी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, बिल्कुल यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा, यस बिल्कुल यहां पर ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल 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 रामचरण, बिल्कुल सही आपका आंसर, यस ऑप्शन डी यहाँ पर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अल्टामीरा के गुफा चित्र किस काल के हैं, अल्टामीरा के जो गुफा चित्र हैं वो आपको किस काल के हैं, पुनरुत्थान काल के हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, बरोक काल के हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, प्रागैतिहासिक काल के हैं तो हो सकते क्या है ही, ठीक है, बाइजेंटाइन कला तो ये आपका है ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जिन्होंने बताया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट है, ऑप्शन सी जिन्होंने बताया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अल्टामीरा की गुफा, फ्रांस की गुफा, वो सॉरी लास्का की गुफा, कोगुर गुफा, लातेफ्राइस की गुफा, ये आपके क्या है प्रागैतिहासिक कालीन आपकी गुफा है, याद रखेंगे एग्जाम के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रांको कांटेब्रियन, फ्रांको कांटेब्रियन क्षेत्र की कला में सर्वाधिक श्रेष्ठ गुफा कौन सी, सबसे अच्छी यहाँ पर गुफा कौन सी है, नियो की है, लास्का की गुफा है, पेच मार्ले की गुफा है, या ला कंबली। अच्छा ये भी आप मुझे कमेंट करेंगे, अल्टामीरा की गुफा के चित्र आपके प्राचीन है या आपके फ्रांस जो आपकी लास्का की गुफा के चित्र प्राचीन है, दोनों में से किसके चित्र आपके ज्यादा प्राचीन है, ये भी कमेंट करके फटाफट बताएंगे कि अल्टामीरा के गुफा चित्र आपके ज्यादा प्राचीन है या आपके लास्का गुफा के गुफा चित्र आपके यहाँ पर ज्यादा प्राचीन है, दोनों में से बताएं कौन है। फिलहाल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रांको कैंटेब्रियन क्षेत्रीय कला में सर्वाधिक श्रेष्ठ जो गुफा है वो आपकी क्या है, लास्का की गुफा है, और सबसे ज्यादा प्राचीन जो आपके चित्र मिले हैं वो आपके लास्का गुफा के ही मिले, ठीक है, सबसे ज्यादा प्राचीन जो आपके गुफा चित्र मिले हैं वो आपके अल्टामीरा और लास्का में, दोनों में से आपको लास्का की गुफा के याद रखने हैं, ठीक है। तो काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं, काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है, लास्का की गुफा के चित्र ज्यादा प्राचीन है भाई, अच्छा यशी यादव जी बिल्कुल मैंने आपका नाम ले लिया, आंसर करिए, ठीक है, ठीक है समझ में बात आई, इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने पूछा, मुझे पता था आधे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होने ही वाले हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है, अब स्पेन की प्रागैतिहासिक कला में, स्पेन की आपकी प्रागैतिहासिक कला में इसमें से कौन सा चित्र आपको चित्रित, रेंडियर का है, मानव का है, बाइसन का है, सभी का है, तो आपको पता ही है रेंडियर का भी चित्र आपको मिल जाता है, ठीक है, रेंडियर का भी चित्र आपको मिल जाता है, मानव के आपके जो मानव के उंगलियों के हाथ की ये भी आपको मिल जाता है, बाइसन का तो मिलता ही मिलता है, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं पढ़ रही हूँ आप लोग के कॉमेंट भी, अल्टामीरा गुफाओं का द्वार सर्वप्रथम किसने देखा, अल्टामीरा गुफाओं का सबसे पहले जो द्वार है, दरवाजा है, वो भाई किसने देखा, तो वही आपके हो जाएंगे कौन से, अभी मैंने आपको उनके पिता का नाम बताया था, ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे बताएंगे आप लोग, क्या नाम मैंने बताया था, अभी बड़ा डिफिकल्ट नाम है, बताएंगे क्या नाम मैंने आपको बताया था,
मार्सेलिनो। हाँ बिल्कुल, वो क्या थे, एक मानव शास्त्री थे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अब नाम नहीं दिया तो क्या बताएंगे, मानव शास्त्री यहाँ पर लगाकर आ जाएंगे, आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और इस गुफा यानी कि अल्टामीरा की जो गुफा है, अब आपको पता है, मैंने आपको बताया बहुत नीची छतें बनी हुई है और इसको लेट करके ही देखना पड़ता है। इसी वजह से जो ये क्या कहते हैं, क्या नाम इसका, मारिया करके क्या बोलते हैं, अरे नाम ही सैतु, क्या नाम है, हाँ सैतुओला, मारिया सैतुओला, बिल्कुल मारिया सैतुओला ने इसका नाम क्या दिया है, द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल, द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल इसका नाम दिया है। बिल्कुल आराध्या जी, मैंने तो आपको कई बार नाम लिया, बिल्कुल बिल्कुल यूवी बनना। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ओके, तो क्लियर हुआ, चलिए इतनी चीज हो गई तो आपका हो गया। हाँ मारिया का नाम याद रखेंगे। यूरोप के प्रागैतिहासिक कला का लास्को क्षेत्र स्थित है, तो आपका हो जाएगा दक्षिणी फ्रांस, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दक्षिणी फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुर्गा, अब बताएं, अब आपके जो क्वेश्चन थोड़े से, अब आपके जितने भी गुफा के जो क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो गए, गुफा के जो क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट हो गए। डिटेल में अगर आपको ये वाला टॉपिक देखना है तो इस पे मैंने इसको मैंने पढ़ा रखा है, डिटेल में आपको देखना है तो इसको मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे क्या अल्टामीरा की गुफा बाई स्टडी एडिशन अगर डालेंगे तो आपको यहाँ पर टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको मेरा ही, पहले अगर अल्टामीरा ही डालेंगे तो सबसे पहले मेरा ही वीडियो आपको ऊपर आएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा मुर्गा किस कला बताएंगे, मुर्गा किस कलाकार की कलाकृति है। अच्छा ऑप्शन में से बताना है, मुर्गा 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 किसकी है भाई, ये आपकी है क्या, ये मूर्ति वाली मैं बता रही हूँ, यहाँ पर चित्र मैं नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर चित्र की बात नहीं हो रही है, मूर्ति की बात हो रही है। बताएंगे कौन सा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, किसकी हो जाएगी, मुर्गा, बिल्कुल आंसर सबका गलत जाने लगता है बहुत जल्दी, पिकासो। ठीक है, किससे संबंधित है, घनवाद से संबंधित है, किससे संबंधित, घनवाद से, पिकासो और ब्राक, मैंने दो बताए थे, पिकासो और ब्राक। ठीक है, पिकासो और ब्राक, दो मैंने आपको घनवास से संबंधित बताए थे, किसको बताया था, पिकासो और ब्राक को बताया था, जो क्या है, दोनों घनवास से आपके संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, पिकासो आपको पता है ये क्या है, इन्होंने बहुत क्षेत्र में इन्होंने काम किया, जो मुर्गा है इनकी क्या है, ये आपकी मूर्ति शिल्प है, मुर्गा क्या है आपकी, ये मूर्ति शिल्प है। पिकासो का पहला चित्र बताएंगे कोई लोग, पिकासो का पहला चित्र, सॉरी घनवाद का पहला चित्र बताएंगे, घनवाद का पहला चित्र, फटाफट आंसर करेंगे, घनवाद का पहला चित्र हो जाएगा अवनियों की स्त्री हो जाएगा। अवनियों की स्त्री आपका कब बना था, तो 1960 में बना था, किसके द्वारा बना था, तो पिकासो के द्वारा बना था। ठीक है, और इसके अलावा आपको बताना है कि मैंने आपको बताया था पिकासो की कोलाज में पहली कृति कौन सी हो जाएगी, तो बेत की कुर्सी हो जाएगी। पिकासो के ही काल को आपको नीला काल और क्या है गुलाबी काल, नीला काल और गुलाबी काल दो नाम से आपको पता है, इनके दो काल मिलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको नीले की अधिकता है वह नीला काल हो जाएगा, जिसमें आपको गुलाबी की अधिकता है वो गुलाबी काल हो जाएगा। अच्छा पहले मुझे बताएंगे नीला काल पहले आता है कि गुलाबी काल पहले आता है, बताएंगे नीला काल आप, हाँ बेत की कुर्सी हो गया, नीला काल पहले आता है कि गुलाबी काल पहले आता है। इसके अलावा यहाँ पर पिकासो का यहाँ पर मुर्गा तो हो ही गया, इसके अलावा आपकी ये आपकी बिल्ली है, बकरी है, भेड़ वाला है, इन सभी के मूर्ति शिल्प किसने बनाए हैं, आपके पिकासो ने बनाए हैं। ठीक है, तो ये मूर्तिकार के रूप में, चित्रकार के रूप में ये दोनों ही फेमस है। बिल्कुल सबसे पहले क्या आता है, नीला काल, शैलेंद्र मिश्रा सबसे पहले आता है, नीला काल आता है, फिर उसके बाद आता है आपको गुलाबी काल आता है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नीला काल आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, गुलाबी काल आएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है मैटर्निटी का चित्र किसका, मैटर्निटी, मैटर्निटी का चित्र किसका, मैटर्निटी, मैटर्निटी का चित्र अगर पूछा जाए तो इम्पोर्टेंट चित्र है याद रखेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट चित्र है याद रखेंगे, किसका है, ये भी आपका पिकासो का ही चित्र हो जाएगा, ये आपका क्या है, चित्र है याद रखेंगे। इज इट क्लियर, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनियों की सुंदरिया या अवनियों की स्त्रियां, ठीक है, अवनियों की सुंदरिया चित्र किसने चित्रित किया है, तो अभी आपका आंसर था पिकासो, तो पिकासो ही हो जाएगा, बस क्वेश्चन को घुमा करके पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संगीतज्ञ किसका है, तीन संगीतज्ञ, तो ये भी बिल्कुल किसका हो जाएगा, तीन संगीतज्ञ भी बिल्कुल पिकासो का ही हो जाएगा। मैंने अभी बताया आपको घनवास से और आपके यूरोप की जो है आपकी केव से रिलेटेड आज के क्वेश्चंस आपके हैं, तो तीन संगीतज्ञ, थ्री म्यूजिशियन आपका चित्र किसका हो जाएगा, तो पिकासो का ही हो जाएगा। पिकासो किस वास है, तो घनवास से याद रखेंगे। पिकासो के काल को ही नीला काल गुलाबी काल कहा बताया गया है। मुर्गा जो है किसकी कलाकृति है, तो पिकासो की है, और मैटर्निटी किसकी है, तो पिकासो की है। और इसके अलावा भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, तो भारत का पिकासो यामिनी राय और एम एफ हुसैन को कहा जाता है, याद रखेंगे। तो भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, तो यामिनी राय और एम एफ हुसैन को भारत का पिकासो
कहा जाता है, याद रखें एम एफ हुसैन या मनी राय दोनों होंगे तो आप एम एफ हुसैन को लगाएंगे, और अगर आपके एक होंगे तब तो मैंने आपको बता ही दिया। इज इट क्लियर? चलिए हो गया इतनी चीजें तो हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा कहाँ से ली थी? एफडी मुखौटल से ली थी, गुफा चित्रों से ली थी, भित्ति चित्रों से ली थी, या शास्त्रीय कला से ली थी? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे तो बिल्कुल जो आपके आधुनिक कला की जो प्रेरणा है वो क्या है, अफ्रीकी मुखौटल से ली थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर करेंगे। लेस डुमाय सेलेस, जो क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ उनको थोड़ा जल्दी करा देती हूँ, ठीक है। लेस डुमाय सेलेस निम्न में से किसकी चित्र की, ले डुमाय सेलेस बताएंगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बिल्कुल यहाँ पर भैया ओनली यूपीएससी, भाई क्यों ड्रावनी शक्ल बना के मुझे डरा रहे हो? हाँ 21 का क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे अनुपम। 21 का सी, अच्छा जी बिल्कुल सही आपका आंसर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दीपा वर्मा आपका भी आंसर बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट है, लुई डुमास सेलेस पाब्लो पिकासो की क्या है, चित्र की है। अच्छा ये मुझे बताएंगे, ये आपका जो लुई डुमास सेलेस जो है ये आपका जो है किस पे बना हुआ है और आपका कब बना हुआ है, ये आपका किस पे बना हुआ है? किस पे बना हुआ, किस चीज से बना हुआ? मैम मेरा नाम कभी नहीं, अंशु त्रिपाठी बताएं आप लोग, ये कौन मीना भाई, थोड़ा सा मैं ऐसे वैसे कमेंट रीड ही नहीं करती हूँ आपको पता है। बिल्कुल ऑयल ऑन कैनवस, बिल्कुल दीपा वर्मा आपका आंसर सही है, ऑयल ऑन कैनवस आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑयल ऑन, ठीक है। अरे ठीक है ये आपका हो जाएगा, कौन सा लेस जो मैं सेलेस आपका हो जाएगा। चलिए आगे चले, हाँ किसी ने ये नहीं बताया था कि नीला काल जो है कब से कब तक रहेगा और गुलाबी काल कब से कब तक रहेगा, ये किसी ने अभी तक नहीं बताया, ठीक है। आंसर कौन सा ये हो जाएगा, आंसर आपका ये वाला, ये किसी ने अभी तक ये नहीं बताया। अच्छा जी ओनली यूपीएससी का भाई आंसर, ठीक है अब भाई ड्रावनी शक्ल नहीं बनाना, ठीक है ओके बिल्कुल 1901 से लेकर के 1900 मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी इसका, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन एक बार कम्युनिटी पे भी लगाया था और बिल्कुल परफेक्ट आंसर देना है, क्योंकि सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। इस वाले आंसर का, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर मैंने एक बार कम्युनिटी पे लगाया था और आधे से ज्यादा लोगों ने गलत आंसर दिया था, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने आपको फिर से इसको यहाँ पर क्या कहते हैं क्लियर किया था, उसके बावजूद भी आधे लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, ठीक है तो इसके आंसर आप लोग देंगे। अच्छा आंसर आ भी गया, नहीं आया, निशान नहीं आया। नीला गुलाबी अवधि किसकी है, तो बिल्कुल नीला गुलाबी अवधि आपकी पाब्लो पिकासो की हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति 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 किसने, किसके द्वारा बनाया गया है? हाँ घटना चक्र जब करा रही थी तब बताई थी मंजू निषाद, बिल्कुल देखिए पुराने स्टूडेंट को फौरन याद आ जाता है कि मैम जो कह रही बिल्कुल सही कह रही है, ठीक है। जब मैं जो भी वैसे भी कहती हूँ मैं झूठ कभी नहीं बोलती हूँ, मतलब नॉर्मली तो मैं नहीं बोलती हूँ, कहीं कुछ ऐसी मुश्किल पड़ जाए तो बात अलग है, ना फालतू के झूठ मैं नहीं बोलती हूँ, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे आप लोग, शांति पीस आपका जो है, शांति जो है आपका पीस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीस बोलते हैं, PIEC, ठीक है। इस पीस मिस क्या होता है, इस पीस मिस टुकड़ा होता है, और इस पीस मिस क्या होता है, शांति होता है, ठीक है। इस पीस मिस क्या टुकड़ा होता है, और इस पीस मिस क्या होता है, शांति होता है। क्वेश्चन का आंसर करेंगे फिलहाल, ठीक है चलिए पिकासो हो जाएंगे, जाहिर सी बात है पिकासो हो जाएंगे, तो कौन हो जाएंगे, समझ में आता है? इस पीस में मैंने क्या बताया, टुकड़ा, इंग्लिश का दे रहे हैं तो इंग्लिश में याद रखेंगे टुकड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? अब पिकासो की जन्म और मृत्यु दोनों ही आपको पता होना चाहिए, पिकासो की जो है मृत्यु आपकी किस शताब्दी में हुई थी, पिकासो की मृत्यु आपकी किस शताब्दी में हुई थी?
पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? ठीक है, सबसे पहले तो जन्म बताइए, फिर मृत्यु बताइए। पहले तो भैया इनका जन्म तो करिए। ऑप्शन ज्योति सिंह का आंसर आया है, ऑप्शन ए आया है। अच्छा जी, बिल्कुल यहाँ पर 20वीं शताब्दी आपका हो जाएगा। ठीक है, 20वीं शताब्दी आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। पिकासो आपके रहस्यवादी शैली के लिए भी प्रसिद्ध हैं। घनवाद तो आपको याद ही रखना, इसके अलावा रहस्यवादी शैली के लिए भी आपके प्रसिद्ध हैं। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1800, तब हुआ था, बिल्कुल यहाँ पर दिया है, मिस्टर रविता यादव, मिसेज रविता यादव, सॉरी सॉरी सॉरी, मिसेज रविता यादव, 1881, 1881 में हुआ था इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था तो याद रखेंगे, स्पेन में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? स्पेन में हुआ था। मृत्यु यहाँ पर कब हुई थी इनकी? तो 1973, 1973 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी 20वीं शताब्दी हो जाएगी। कौन सी शताब्दी हो? 20वीं शताब्दी। और ये वाली आपकी कौन सी शताब्दी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी 19वीं शताब्दी हो जाएगी। ये आपकी 20वीं शताब्दी और ये आपकी कौन सी हो? 19वीं शताब्दी। तो 2 शताब्दी इन्होंने देखी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर स्पेन। ठीक है, तो हो गया क्लियर, या ये चीज आपको क्लियर हुई? तो 1973 आप लोग बता तो रहे, सही बता रहे हो। मंजू निषाद आपका आंसर सही है, जन्म भी आपका सही है और मृत्यु भी आपका सही है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने अभी बताया, तो स्पेन में इनका जन्म हुआ था, मैंने अभी आपको आंसर बताया। आज मैंने आपके 25 से ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं, थोड़े बहुत ज्यादा लिए हैं क्वेश्चन, आप मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने और ले लिए। ग्वेर्निका आपका जो है चित्र किसका है? ग्वेर्निका चित्र किसका है? तो ग्वेर्निका जो है चित्र है वो बिल्कुल आपका किसका हो जाएगा? पिकासो का हो जाएगा। ठीक है, ग्वेर्निका जो चित्र है वो आपका किसका हो जाएगा? पिकासो का हो जाएगा। ग्वेर्निका तो ये आपको पिकासो का हो जाएगा। बताना आपको ये है कि ये किस माध्यम में बना हुआ है, बताना आपको ये है कि ये किस माध्यम में आपको बना हुआ है, क्योंकि आपको पता पिकासो के जाने, तो पिकासो तो आप फटाफट बता ही देंगे। बताना आपको ये है कि ये आपको किस माध्यम में बना हुआ है, तो ये भी आपका हो जाएगा ऑयल ऑन कैनवस। ठीक है, ऑयल ऑन कैनवस ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये भी आपका यही वाला हो जाएगा, समझ में बात आ गई। तैल चित्रण आपका यहाँ पर ये रहेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है। ओके, और कुछ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रख्यात ग्वेनिक किस माध्यम में बना हुआ? चलिए आ गया, आपका आंसर भी आ गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भी आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन अब आपका है, द स्टूडियो का कलाकार कौन है? स्टूडियो का कलाकार कौन है? स्टूडियो का कलाकार कौन है? स्टूडियो आपका है क्या बताइए? ये आपका चित्र है, ये आपका चित्र है, ये आपका मूर्ति शिल्प है? क्या है ये? आपकी मूर्ति शिल्प है, ये आपकी चित्र है, दोनों में से आपका क्या है ये भी बताएंगे। किसका है? तो आपको पता ही होगा, ये आपका पिकासो का है, पिकासो के ही क्वेश्चन है, इस वजह से आपको पता होगा ये आपका पिकासो का ही है। ठीक है, तो स्टूडियो का कलाकार आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप पिकासो हो जाएंगे। ये आपका चित्र है, ये आपका मूर्ति शिल्प है, दोनों में से आपका क्या है? और इस जो ये आपकी जो कृति है, ये कब बनी थी, ये भी आपको बताना है। बिल्कुल, ये आपका क्या हो जाएगा? चित्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? चित्र। भाई इनका कॉमेंट में पढ़ लेती हूँ, मीना भाई ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, सेम टू यू, बस खुश। चलिए, द स्टूडियो का कलाकार कौन है? तो स्टूडियो का कलाकार यहाँ पर कौन है? पिकासो हो जाएंगे। बना किससे है? हाँ बिल्कुल, वेस्टर्न आर्ट को मैं सीक्वेंस से सारी चीजें पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट क्लास आपकी शुरू होगी किससे? अब आपकी चित्रों से, चित्र सॉरी सॉरी चित्रकार से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो चित्रकार से रिलेटेड काफी यहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे कि मैम चित्रकार पढ़ा दीजिए, आर्टिस्ट पढ़ा दीजिए। तो मैं आपके अगली क्लास जो है वो आर्टिस्ट से यहाँ पर जल्दी ही अगली क्लास देखिए, या अगली क्लास या पे अन्य अगली से अगली क्लास जो होगी, मतलब अब आने वाली जो क्लास होगी वो आपकी आर्टिस्ट से रिलेटेड होगी, जिसमें मैं आपको कहाँ से, राजा रवि वर्मा से शुरू करूंगी। ठीक है, राजा रवि वर्मा से ही मैं शुरू करूंगी। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी अपडेटेड क्लास मैं आपको अब दे रही हूँ। ठीक है, अपडेटेड क्लास में दे रही हूँ, थोड़ा सा और इसमें चीजें मैं बढ़ा करके सारी चीजें मैं पढ़ाऊँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है अब जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछे जाने लगे। ठीक है, इस वजह से आपके यहाँ पर मैं राजा रवि वर्मा से स्टार्ट करूंगी, फिर अवनीना ठाकुर है, फिर नंदलाल बोस है, फिर मजूमदार है, तो ऐसे ऐसे करते 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 हम लोग सारे कलाकार को वन बाई वन पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रही थी और आपके कमेंट देखने लगी। हाँ, ये बना कब था? तो 1955 में। कब बना था? तो 1955 में, आपको याद रखना है। ये आपका किसमें बना हुआ? तो आपका ऑयल कलर। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा ऑयल। ठीक है, ये भी आपका ऑयल हो जाएगा, समझ में बात आ गई। इतनी चीज आपको यहाँ पर हो गई। द पेंटर स्टूडियो, ठीक है,
ये आपका देखिए, ये आपका था स्टूडियो है, ये स्टूडियो है, ये आपका इनका हो गया, ये स्टूडियो है, ये इनका हो गया। एक आता द पेंटर्स स्टूडियो, ठीक है, द पेंटर्स स्टूडियो लिख देती हूँ, ठीक है, द पेंटर्स स्टूडियो, स्टूडियो, ठीक है। ये किसका चित्र है? तो ये आपका हो जाएगा कुर्बे का, ये हो जाएंगे गुस्ताफ कुर्बे, ये आपके कुर्बे का हो जाएगा, और ये वाला तो आपका पिकासो का है ही, ठीक है। अब बताइए, इतने क्वेश्चंस में कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, युद्ध का क्या हुआ? युद्ध की बुक तो भैया बहुत मोटी है, और उसको करा पाना, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं मैम पहले आर्टिस्ट करा दीजिए फिर युद्ध कराइए, कुछ लोग बोल रहे हैं पहले युद्ध करा दीजिए। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो चाहते हैं कि युद्ध का यहाँ पर रिविजन हो जाए, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो चाहते हैं यहाँ पर आर्टिस्ट हो जाए। तो फिर सुनिए, फिर कैसे किया जाए काम? बिल्कुल, इस क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, इस क्लास का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। बिल्कुल, आरपीएससी के लिए भी ये क्लास है, किसी भी स्टेट से आप यहाँ पर आर्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो जितनी भी क्लासेस मेरी हैं वो आपके हर एग्जाम के लिए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आर्ट का सिलेबस आपका लगभग सबका सेम रहता है, ठीक है। तो अगर उसमें आपका वेस्टर्न आर्ट दिया है तो आपका होगा, इसके अलावा एल्टी ग्रेड की जो वैकेंसीज आपकी आएंगी उसके लिए भी आपको यहाँ पर वेस्टर्न आर्ट पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने सिर्फ टीजीटी का फॉर्म डाला है तो उसके लिए भी आपको वेस्टर्न आर्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपको काफी क्वेश्चन वेस्टर्न आर्ट से मिल गए थे। आपका जो आपका यूपी टीजीटी का जो आपका आर्ट का सिलेबस है उसमें आपका वेस्टर्न आर्ट मेंशन नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो एक भी मौका आप ना छोड़िए, एक भी यहाँ पर गलती ना करिए, ठीक है। तो सारी चीजें आपको पढ़नी है, बस इतना करना है आपको कि इंडियन आर्ट आपको टीजीटी के लिए ज्यादा पढ़ना है और वेस्टर्न आर्ट आपको टीजीटी के लिए कम पढ़ना है, ठीक है। और अगर पीजीटी की बात करें तो आपको इंडियन आर्ट भी बहुत ढंग से पढ़ना है और आपको वेस्टर्न आर्ट भी बहुत ढंग से पढ़ना है। और अगर हम बात करें यूजीसी नेट की बात करें, बिल्कुल अभी मैं आपका नाम लेती हूँ, रुकिए, ठीक है। अगर आपको यूजीसी नेट का यहाँ पर बात करें, यूजीसी नेट की बात करें, तो उसके लिए आपको इंडियन आर्ट और वेस्टर्न बहुत अच्छे से बहुत डीपली यहाँ पर पढ़ना है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वो अपनी जो है तैयारी इस चैनल से बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हर टॉपिक को, ठीक है, जैसे आपको राजस्थानी कला, पहाड़ी कला, मुगल शैली, हर टॉपिक को मैंने बहुत ही डिटेल से सारी चीजें कराई है। क्वेश्चंस आपके इधर से उधर जाने वाले नहीं है, बैकग्राउंड लेके मैं सारी चीजें चलती हूँ, ठीक है। अब मैं अब देखती हूँ, आरा शबनम, बिल्कुल ले लिया भाई नाम, ले लिया नाम, ओके। चलिए, इस क्लास में अब आपको कोई यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है बताएं मुझे, और इसके बाद मैं क्लास को यहाँ पर बंद करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी भाई, चलिए ठीक है, इस क्लास को अब हम लोग यहाँ पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।